सन टाइप हो गए और काम करना छोड़ दिया। इससे पहले पॉजिट्रॉन में दिखाया, एक महीने तक उधर कोई आराम नहीं हुआ। उससे फिर ECHS के थ्रू हमने डॉक्टर अनुराग सक्सेना को OPD में दिखा, उसके बाद हमारे को मणिपाल के बारे में पता चला और फिर मणिपाल में आए। उसके बाद 2 जून को हमारा ऑपरेशन किया गया। उसके बाद ऑपरेशन के तुरंत बाद 25-30% फर्क हो गया था। उसके बाद अभी 50-60% आराम है, जिसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फास्ट अभी मैं चल नहीं सकता, बाकी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एवरीवन, ये मेरे पापा हैं, इनका नाम पालेराम है, हम रोहतक हरियाणा से हैं। मेरे पापा को पहले प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, लिखने में चक्कर आते थे, थकावट महसूस होती थी, तो हमने काफ़ी जगह दिखाया बट कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो हम अनुराग सक्सेना जी की OPD में मिले, रोहतक उनकी OPD थी, तो हम वहाँ से उनसे मिले। तो फिर उन्होंने हमें मणिपाल सजेस्ट किया, तो हम यहाँ पे आए, हमारी सर्जरी हुई, मेरे पापा की सर्जरी हुई। उसके बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट था और फिर हमें सर्जरी के बाद कुछ दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, मेडिसिन चली, OPD में हम डॉक्टर सक्सेना से मिलते रहे। और अभी हम चेकअप के लिए आए थे तो सारी प्रकार की मतलब के रिपोर्टें दोबारा चेक की गई, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है और अभी 70-80% अच्छा रिजल्ट है। तो अभी कोई ना तो चलने में दिक्कत होती इतनी, ना ही कोई लिखने में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू। पालेराम जी जब हमारे पास में आए थे तो उनको सर्वाइकल स्पाइन, मतलब कि जो गर्दन की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का पार्ट में, उसमें जो डिस्क थी वो स्लिप थी और उस डिस्क के खिसकने के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मतलब बड़ी नस, वो डैमेज हो रही थी। उसके कारण हाथों में कमज़ोरी आ रही थी, चीज़ें उठा पाना, चीज़ों को मैनेज कर पाना, डेली एक्टिविटीज़ को कर पाना डिफ़िकल्ट था। इसके अलावा चलने में डिफ़िकल्टी आती है ऐसे पेशेंट्स को। तो इस बीमारी को हम कंप्रेसिव मायलोपैथी कहते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन होने के कारण स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लग जाती है। तो जो ब्रेन से जो सिग्नल्स हमारी बॉडी में जाना चाहिए वो प्रॉपरली जा नहीं पाते, क्योंकि वो नस यहाँ गर्दन में डैमेज होती है, तो इसके नीचे के सारे पार्ट्स खराब होने लगते हैं। सो पेशेंट को चलना दिक्कत होती है, तो उनको चलने में प्रॉब्लम आती थी, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आती थी, बार बार गिर जाते थे, जिस कारण इंजुरी होती थी। अगर ये बीमारी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये फाइनली जाके कम्प्लीट डैमेज हो जाता है एंड पेशेंट्स बिकम व्हीलचेयर बाउंड, मतलब वो व्हीलचेयर पे आ जाते हैं और कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। इसका इलाज सर्जरी के द्वारा संभव है। सो पालेराम जी की एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन सर्जरी करी गई, जो कि माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। उसमें एक छोटा सा कट आता है फ्रंट पे और वहाँ पे जाके हम जो डिस्क है उसको निकाल देते हैं। उस डिस्क को निकालने के बाद प्रेशर हटा के माइक्रोस्कोप से वहाँ पे डिस्क की जगह पे केज को फिट कर दिया जाता है, ताकि हाइट मेंटेन रहे। ऐसे में जब कंप्रेशन हटता है तो सिग्नल्स वापस चालू होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा रिपेयर करने में मदद मिलती है और बीमारी वहीं रुक जाती है। सो पूरी सर्जरी जो है ये कंप्यूटर मॉनिटरिंग में होती है, मतलब न्यूरो मॉनिटरिंग होता है, जिसमें कंप्यूटर पे स्पाइनल कॉर्ड की और आपके हाथ पैरों की गतिविधियाँ रिकॉर्ड होती रहती हैं। सर्जरी के दौरान कुछ भी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर सर्जरी के कारण पड़े तो हमें तुरंत पता पड़ जाता है और हम रुक जाते हैं या टेक्निक को चेंज कर लेते हैं। इससे सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मोर देन 90-95% सेफ है सर्जरीज हो गई इन टेक्निक के कारण, और पालेराम जी की सर्जरी बहुत अच्छी हुई है। मेरे हिसाब से उनको आगे इस बीमारी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।